हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन चिकन, तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसके लिए मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने स्मॉल पीसेस में काट लिया है और वॉश करके रखा है। एक स्मॉल साइज ऑनियन लिया है, स्लाइस्ड कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है करीब 2 चम्मच। कसूरी मेथी है करीब 2 बड़ा चम्मच। एक फुल कप धनिया पत्ती है, फ्रेश है, इसको मैंने वॉश करके रख लिया है। 2 से 3 मैंने ग्रीन चिली लिया है। धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है 1-1 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें एंड गरम मसाला पाउडर है 1 छोटा चम्मच। कर्ड मैंने लिया है करीब 1/2 कप है, इसको मैंने फेट करके एक साइड रखा है। अब मैं एक जार में धनिया पत्ती और ग्रीन चिली और कसूरी मेथी डालकर पीस लूँगी। एक फाइन सा पेस्ट बनाना है। इस तरह से डाल लें। थोड़ा पानी ऐड करें, स्टार्टिंग में थोड़ा पानी ऐड करें। बेसिकली स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए अब इसका पेस्ट बनाते हैं। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, एक स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। अब इसे मैं एक साइड रखूँगी और फिर एक पैन लूँगी, उसमें तेल डालूँगी करीब 2 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये थोड़ा रिच होता है, इसलिए तेल इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें इसमें तेल। तेल गर्म होने के बाद ऑनियन डालूंगी, स्लाइस्ड ऑनियन। इसको मैं ब्राउन कलर में तक फ्राई करूंगी, थोड़ा डार्क ब्राउन करूंगी इसे, ताकि आसानी से मसाला मिक्स हो जाए, तो मसाला के फॉर्म में आ जाइए। देखिए इस तरह से होगा। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। प्याज को पतला काटें, ताकि ये जब आप सारा चीज़ डालेंगे, चिकन डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये पेस्ट की तरह आ जाए। प्याज आप जब खाएं तो इसमें प्याज नहीं दिखे। सॉटे करने के बाद अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फ्लेम मीडियम लुक पे रखें। आफ्टर 1 to 2 मिनट्स मैं इसमें सारे के सारे ड्राई पाउडर जो मैंने लिए थे मसाले के, वो मैं ऐड करूँगी। इसे 1 से 2 मिनट तक मैं सॉटे करूँगी, थोड़ा पानी ऐड करके। इस तरह से जब अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए, तब मैं इसमें कर्ड ऐड करूँगी। कर्ड को अच्छी तरह से फेंट लें, मिक्स कर लें, उसके बाद ही ऐड करें। फ्लेम को मीडियम रखें। कर्ड को अच्छी तरह से मिला करके कवर करके करीब 5 मिनट तक हम इसे रखेंगे। थोड़ा पानी ऐड कर लें यहाँ पे, जो भी कर्ड बचा हुआ है वो भी आ जाएगा। इसे कवर करके 5 मिनट तक रखूँगी, या 2 से 3 मिनट भी रख सकते हैं। मैक्सिमम 5 मिनट तक रखूंगी, ताकि इसका सारा का सारा पानी बाहर आ जाए। अब मैं इस पॉइंट पे सारा ग्रीन मसाला डालूंगी जो हमने पेस्ट बनाया था। जार में थोड़ा पानी डालकर इसे भी निकाल लूंगी। हमें थोड़ा भी मसाला को वेस्ट नहीं करना है। पानी ऐड करके इसमें देखिए इस तरह से, और हमें ऊपर से पानी नहीं डालना है, क्योंकि दही का भी पानी है। ऑलरेडी मैंने इसमें पानी डाला है ग्रीन पेस्ट के बाद। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके, यहाँ पर आप सॉल्ट टेस्ट कर लें। मिक्स कर लिया मैंने। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे उबाल आने तक रखूँगी और 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पे रखूँगी, गलने तक, या जब तक आपका चिकन गल ना जाए तब तक आप इसे धीमी आंच पे रखें, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे। अगर पानी ज़्यादा हो तो ड्राई आप हाई फ्लेम करके ड्राई आउट कर लें।
देखिए मुझे करीब 20 से 22 मिनट लग गए हैं। इस तरह से चिकन पूरी तरह से गल गया है और मुझे टेक्सचर भी मसाले का इतना ही चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसे पानी या सुखाना है जो भी कर लें। ये देखिए चिकन भी गल गया है। इस पॉइंट पे मैं अब इसकी प्लेटिंग करूँगी। ये देखिए हमारा ग्रीन चिकन बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बनता है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपने बनाया तो कैसा लगा। थैंक यू।